हेलो एवरीवन, वेलकम टू विभास लाइफ। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। आप लोगों की दुआ से हम लोग भी अच्छे हैं। देखिए, अभी मेरा पूरा काम हो गया है। अभी नहाने जा रहे थे तो सोचा आज चूल्हा को कंप्लीट कर लें। इसको लगाने के इसमें चूल्हे में लगाने के लिए हमको चिकनी मिट्टी मिल ही नहीं रहा था यहाँ पे, और ये भी चिकनी मिट्टी नहीं मिला तो ये कंकड़ वाला ही है। हम लोग के सामने ही काम हो रहा है, वहीं से जाके ले आए होंगे। चिकनी मिट्टी खोजते रह जाएंगे, मिलेगा नहीं, मेरा चूल्हा नहीं बन पाएगा। तो इसी में से कंकड़ निकाल निकाल के आज इस चूल्हे का लिपाई पोताई कर रहे हैं पूरा। नहीं तो ऐसे ही पड़ा रह जाता, मेरा ठंडी भी निकल जाता, मोटी रोटी नहीं बन पाता एक को दिन, इसलिए आज इसका पूरा अच्छे से लिपाई पोताई कर रहे हैं। ये देखिए, मेरा चूल्हा पूरा एकदम लीप दिए हैं, एकदम अच्छे से लीप तो दिए हैं, लेकिन देखते हैं बाद में फटता है कि नहीं। क्योंकि गांव में तो इसमें मिट्टी में गोबर डाल के और कुछ कुछ डाल के लोग पोताई करते हैं चूल्हा का, तो फटता नहीं है। यहाँ तो मिट्टी ही नहीं मिला तो गोबर कहाँ से लाते, तो ऐसे ही मिट्टी से लीप दिए हैं। अब इसको दूसरे दिन देखेंगे इसका क्या हाल होता है, फटता है कि बचता है। अभी मेरा सारा काम हो गया, चूल्हा में मिट्टी भी लग गया, नहा लिए और कपड़ा भी धो लिए। दो चार था, इनका आज रेस्ट है तो ड्यूटी का कपड़ा भी था, सब धो लिए। अब जा रहे हैं हम नाश्ता करने। ये लोग नाश्ता करके चले गए हैं, आज गाड़ी बनवाना था, कुछ काम था। तो आज हम सुबह में बस पराठा और सब्जी अचार था, खा के वो लोग चले गए। चले गए तो हम दोपहर में खाना बनाने वाले थे, अभी जा रहे थे बनाने, लेकिन फिर कॉल कर दिए कि अभी हम लोग का टाइम लगेगा, अभी खाना मत बनाना। तो अभी खाना नहीं बनाया, अभी हम चल रहे हैं नाश्ता करने, पराठा सब्जी अचार। हम भी अभी देखिए शाम हो गया है, शाम के नाश्ते में चल रहे हैं बनाने। हम प्याज का पकौड़ी आज बनाएंगे, हरा प्याज है ये। हम प्याज धुल के इसको काट लिए हैं, इसमें हरा मिर्च भी काट लिए हैं, और उसके बाद इसमें थोड़ा सा इसमें हरा लहसुन काटे हैं, लेकिन सूखा लहसुन का स्वाद अलग रहता है, तो थोड़ा सा सूखा लहसुन कूट के डाल दे रहे हैं इसमें पकौड़ी में। सूखा लहसुन हो गया, और ये सूखा धनिया, और इसमें जीरा पाउडर है, मरीच पाउडर है, और खड़ा धनिया है। उसके बाद इसमें हल्दी पाउडर, बेसन इसमें अब, अभी इसमें सब पड़ गया, अभी नमक बाकी है। अभी इतना पहले मिक्स कर लेंगे, फिर देखेंगे अगर कम पड़ेगा बेसन तो फिर ले लेंगे, और क्या। ये देखिए हम प्याज और बेसन फेंट लिए हैं, अब इसमें कढ़ाई में हम सरसों तेल है, सरसों तेल में ही छानेंगे, उसका स्वाद अच्छा लगता है, सरसों तेल का पकौड़ी में स्वाद अच्छा लगता है। ये देखिए तेल हो गया है, अब देखिए मेरा नाश्ता बन के तैयार हो गया, पकौड़ी और हरा धनिया लहसुन मिर्चा टमाटर की चटनी। अगर आप लोगों को ये मेरा ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, और जो नए हैं मेरे चैनल पे प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो नहीं किए हैं सब्सक्राइब पुराने हैं वो भी कर दें, और लाइक जरूर करिए वीडियो पे, पसंद आए तो भी, नहीं पसंद आए तो भी, लेकिन लाइक करिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।